वैवाहिक कार्यक्रम की खुशियां उस समय गम में बदल गईं जब चल रही पूजा के समय एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों सहित लगभग 13 लोगों की झुलस जाने की बात सामने निकल कर आ रही है, जिनमें से 8 लोगों को CSC रामनगर से जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां थाना रामनगर क्षेत्र अंतर्गत रामनगर खास में कल्लू तिवारी के घर पर आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम के उपरांत चल रही पूजा में तमाम लोग एकत्रित थे। इसी दौरान पास में बन रहे खाने में प्रयोग किए जा रहे गैस सिलेंडर का पाइप फट गया, जिससे आसपास मौजूद लोग आग से बुरी तरह झुलस गए। वहीं ट्रामा सेंटर बाराबंकी में वर्तमान समय में 11 लोगों का इलाज किया जा रहा है। इन 11 लोगों में अजय, अंशिका, निशा, रामानंद मिश्रा, सुनीता, कामिनी, पार्वती, खुशी, रेणु आदि हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को CSC पहुंचाया, जहां से 8 लोगों को जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर कर दिया गया। वर्तमान समय में जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में 11 लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, का इलाज चल रहा है, जिसमें लगभग 40% के ऊपर जले 5 लोगों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। अन्य की स्थिति सामान्य होने के कारण उनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। आग से झुलसे लोगों में पुजारी भी शामिल हैं। पुजारी के रिश्तेदार अतुल मिश्रा ने बताया कि कथा कराने के दौरान यह हादसा घटित हुआ, जिसमें उनके चाचा भी घायल हो गए। अतुल मिश्रा के अनुसार घटना में करीब 13 लोग घायल हुए हैं। हमारा नाम अतुल मिश्रा है, प्रॉपर रामनगर मोहल्ला कादिराबाद के रहने वाले हैं। ये जो जले हुए हमारे चाचा हैं। कैसे क्या घटना हुई? हम लोग पुरोहित का काम करते हैं। हमारे चाचा कथा कराने गए थे, वहाँ पे कथा कराने हुए गए थे। आधा कथा हो चुका था, मतलब आधी पूजा हो चुकी थी। गैस लीकेज थी, पाइप खुला हुआ था, ऊपर से कैसे किसने खोला या खुल गया, अपने आप ढीला हो गया, वहाँ पे आग लग गई। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर दग गया है, जिसमें करीब 13 लोग घायल हुए हैं। 13 लोगों को यहाँ लाया गया है, 5 लोगों को डॉक्टर साहब ने सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। बाकी बता रहे हैं हमारे यहाँ बर्न का वो रूम नहीं है, इसलिए हम किसी को नहीं रखेंगे, आप सबको जो है बाहर ले जाइए, सिविल हॉस्पिटल रेफर कर। कितने बच्चे हैं इसमें? इसमें शायद 2 बच्चे हैं, बाकी महिलाएं हैं और पुरुष हैं, कुल मिला के लगभग 13 लोग। वहीं घटना के संबंध में थानाध्यक्ष रामनगर से वार्ता की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि रामनगर खास में कल्लू तिवारी की पुत्री की शादी के उपरांत मंडप में कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बन रहे खाने में प्रयोग किए जा रहे सिलेंडर का पाइप निकल गया, जिस कारण पंडाल में आग लग गई और वहां मौजूद लोग झुलस गए।